नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जिन बच्चों ने ITI कर रखी है, BARC स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 का फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, उनके लिए एक जबरदस्त वीडियो के साथ में मैं दोबारा आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं ITI करके BARC में सेलेक्ट होने के बाद में आपको सैलरी कितनी मिलती है, आपको फैसिलिटीज कौन कौन सी मिलती है, आपके वर्क प्रोफाइल यानी कि आपकी ट्रेड कौन सी है, तो आपका काम क्या रहने वाला, उसके बाद में आपके प्रमोशन किस हिसाब से होने वाले। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो कई सारे बच्चों के इस प्रकार के डाउट्स हैं, तो जो भी कॉमन डाउट्स थे, जो भी मेरे को कॉमन टॉपिक लगे, उन सबको एक वीडियो में लेकर के सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 4,500 के आसपास में बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, वहां पे आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होते रहेंगे। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में आपको एक बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन मिलने वाला है, और उस मोटिवेशन को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें मैंने क्लियर की है, आपके सामने ये डेटा में पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी चीजों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में, आपकी सैलरी किस हिसाब से बनती है BARC में। दोस्तों, यहां पे देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है बेसिक पे। आप जो स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 की आपकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में आपका ट्रेनिंग के हिसाब से एक रिटन एग्जाम होता है, और उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू होता है। अगर आपके 90% से कम नंबर होते हैं उस ट्रेनिंग और इंटरव्यू में, तो आपको टेक्नीशियन ग्रेड बी की आपको पोजिशन दी जाती है। ये पोजिशन सी की है, और उसके बाद में ये पोजिशन सी की है, और अगर आपको पोजिशन बी मिलती है तो वहाँ पर 21,700 आपकी बेसिक सैलरी रहती है। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम सैलरी का डेटा लिया है, यानी कि अगर आप टेक्नीशियन सी के रूप में सेलेक्ट होते तो आपकी सैलरी कितनी कितनी किस हिसाब से बनने वाली है। देखिए, आपकी बेसिक सैलरी 25,500 यहां पे रहने वाली है। बेसिक सैलरी वो होती है जिस पे आधारित सारे के सारे पैरामीटर चलते हैं, उसके हिसाब से आगे की कंप्लीट आपकी सैलरी बनती है। उसके बाद डी है, जिसको अपन हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं, तो 8% जो डी ए चल रहा है उसके हिसाब से मैंने ये डेटा लिया है, यानी कि 42% अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का डी ए चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये नौकरी है, तो इसके हिसाब से आपका 10,700 आपका डीए मिलने वाला है। हालांकि एक चीज ध्यान रखना, अभी आप इस भर्ती में सेलेक्ट होंगे, उसके बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज्वाइनिंग वगैरह होगी, कंप्लीट आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस होगा, तो उसके बाद में डीए आपका और भी ज्यादा होगा। मान के चलिए 50% के आसपास तक डीए जा सकते हैं, जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर के आप डिपार्टमेंट में परमानेंट होंगे, यानी कि सैलरी आपकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी के हिसाब से अपन बात करें तो 10,700 आपका डीए बनता है। उसके बाद में TPT अलाउंस है, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस से गवर्नमेंट देती है, जो कि आपका 1,800 रुपए बनने वाला है। 24,000 तक बेसिक सैलरी होती है तो 900 रुपए TPT अलाउंस बनते हैं। 24,000 से ज्यादा जैसे ही बेसिक जाती है तो डबल हो जाता है, यानी कि 1,800 रुपए आपको TPT मिलेगा। उसके बाद ये जो TPT है उस पर भी आपको 42% DA मिलने वाला है, जिसके हिसाब से 756 रुपए होंगे। उसके बाद में HRA हाउस रेंट अलाउंस उन लोगों को मिलने वाला है जो कि सरकारी क्वार्टर का, यानी कि जो आवास होते हैं सरकारी, जो सरकारी घर होते हैं उनका यूज नहीं करते, प्राइवेट कहीं बाहर रहते है, या फिर सिंगल कहीं लाइन में रहते हैं, फैमिली वगैरह नहीं रखते, तो उन लोगों को यहां पे HRA भी मिलेगा, जो कि अलग अलग होता है अलग अलग सिटी के हिसाब से। मिनिमम आपका 8% होता है, सेकंड सिटी में 16% होता है, उसके बाद में थर्ड सिटी जो होती है वो आपका 24% होता है, सिटी के हिसाब से होता है। ये मैंने मीडियम लिया, यानी कि जो 16% HRA वाले सिटीज है वो मैंने लिए है। यहां पे 8% वाली सिटीज है वो यहां पे BARC में बहुत कम देखने को मिलेगी, ज्यादातर 16% और 24% वाली है। 16% के हिसाब से लेके चले तो 6,120 रुपये आपका हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलने वाला है। इस हिसाब से इन टोटल सैलरी को अपन जोड़ें तो कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर रखी है, 44,876, यानी कि लगभग 45,000 रुपये के आसपास में आपकी कंप्लीट सैलरी बनने वाली है। ITA के हुए बच्चे को बहुत कम ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है जिसमें 45,000 रुपये के आसपास में कंप्लीट सैलरी बनती है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो सैलरी वगैरह है ये आपको तभी मिलने वाली है
जब आप अच्छी तरीके से तैयारी करोगे, इससे बड़ा अवसर मेरे हिसाब से आपकी मतलब क्या कि आगे होने वाला भविष्य उसमें भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना। कंपटीशन एज के हिसाब से देखो तो यहाँ पे काफ़ी कम हो गया है। तो जो भी बच्चे जिन्होंने इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया, जो बच्चे इलिजिबल थे, अपने को खुशकिस्मत माले, अभी से अपनी पढ़ाई वो स्टार्ट कर दे। और एक चीज़ और बता दूँ कि आई टी इलेक्ट्रीशियन के लिए, फिटर के लिए, टर्नर के लिए और मशीनिस्ट के लिए काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे इससे हमारे को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराइए प्रैक्टिस के लिए। तो इन सब ट्रेड के लिए मैंने टेस्ट सीरीज है वो भी मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारे आपको ब्लॉक में वहां पे आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। बाकी आईटी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो 22 मई से मैंने रिकॉर्डेड एक बैच है वो भी स्टार्ट कर रखे हैं। डेली की आपको लगभग 1-1.5 घंटे के आसपास में वहां पे क्लासेज मिलती है। और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अब जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको भी पिछली क्लासे हैं वो वहां पे उसी कोर्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम से पहले पहले अपने कंप्लीट आईटी इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस है वो भी ऐप पे करने वाले हैं। जिन बच्चों को अच्छी पढ़ाई करनी है, डूब के पढ़ाई करनी है, आईटी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे वो हमारा एक्सीलेंट बैच है, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट अपन सारी थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव है, टेस्ट सीरीज वगैरह, कंप्लीट चीजों को अच्छी तरीके से अपन देखने वाले हैं। इस हिसाब से आपकी जो कंप्लीट सैलरी है 44,876 बनने वाली है। उसके बाद में गवर्नमेंट के नियमानुसार कुछ कटौतियां भी होंगी, तो उनको काटने के बाद में इन एंड सैलरी देख लेते हैं। देखिए एनपीएस यानी कि जो न्यू पेंशन स्कीम है उनमें क्या होता है कि आपकी सैलरी का 10% काट करके एनपीएस अकाउंट के अंदर जमा करवाया जाता है। हालांकि वो बाद में आपको मिल जाता है, लेकिन एक बार सैलरी से कटता है तो 25,500 का 10% आप करोगे तो 2,550 रुपये आपके ये कटेंगे। उसके बाद में CHSS यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ से संबंधित मतलब क्या स्कीम होती है, जिसमें आपको और अपने बच्चों को, फैमिली वगैरह कंप्लीट को आपको मतलब कि कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, बीमार को कोई भी किसी प्रकार के ट्रीटमेंट आपको करवाना होता है तो उसके लिए 255 रुपये मंथली आपके कटते हैं, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे कटेगी। उसके बाद में एक पीटी अलाउंस है जो कि 157 रुपये मंथली कटेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस के नाम पे आपके 70 रुपये, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक ग्रुप इंश्योरेंस था, एक आपका लाइसेंस संबंधित कुछ था जिसके 60 रुपये थे। तो इस हिसाब से टोटल मिला करके अपन ये कटौतियाँ देखें तो लगभग 3,000 रुपये कंप्लीट सैलरी में से आपकी कटौती हो जाएगी, यानी कि लगभग 45,000 रुपये उनमें से 3,000 रुपये काट लीजिए तो आपकी इन हैंड सैलरी वो 42,000 रुपये के आसपास में बनने वाली। जिन बच्चों की ट्रेनिंग अच्छी जाएंगी, जो बच्चे टेक्नीशियन ग्रेड सी के रूप में जाएंगे, अब टेक्नीशियन ग्रेड बी के रूप में जो बच्चे जाएंगे जिनका इंटरव्यू और रिटर्न ट्रेनिंग का सही से नहीं जाएगा, तो वो बच्चे की मान के चलिए कि आपकी सैलरी भी 38,000-39,000 रुपये के आसपास में बन जाएगी। बहुत सारे बच्चों के डाउट है कि सर ये जो स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की वैकेंसी है परमानेंट है या फिर बाद में निकाल देंगे, तो ये परमानेंट है, इनमें आपको कोई भी नहीं निकालने वाले है। आपकी स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग इसलिए आपको पोजीशन दी गई है क्योंकि स्टार्टिंग में आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, ठीक है, निकालेगा कोई नहीं। उसके बाद में अपन प्रमोशन के बारे में बात करें। देखिए अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड बी के रूप में रहते हो, आप मतलब क्या कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में, तो यहां पे आपकी 21,700 आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। उसके बाद में लगभग 3 साल के बाद में आप प्रमोट होकर के टेक्नीशियन ग्रेड सी बन जाओगे, जहां पे आपकी जो सैलरी है जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताई है 25,500 बन जाएगी। जिस हिसाब से प्रमोशन होता जाएगा आपकी बेसिक सैलरी चेंज होती जाएगी, और बेसिक सैलरी के हिसाब से ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं आपकी चेंज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आपकी कंप्लीट सैलरी उसमें भी ग्रोथ होती जाएगी। उसके बाद में आप टेक्नीशियन ग्रेड सी से लगभग 3 से लेकर के 4 साल तक, जो कि आपकी रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा कितने टाइम में आप उन चीज़ों को क्वालिफाई करते हो, लगभग 3 से 4 साल के बाद में अगली ग्रेड पर आप चले जाओगे टेक्नीशियन ग्रेड डी, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड डी की अपन सैलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी बेसिक जो सैलरी है वो आपकी 29,000 यहां पे 200 आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी। उसके लगभग 3 साल के बाद में आपका जो अगला प्रमोशन होगा एसटी कैटेगरी 1 यानी कि स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 है, डिप्लोमा वाले बच्चे जो डायरेक्ट भर्ती होती है वही पोजीशन आपको यहां पे मिल जाएगी। लगभग 3 से लेकर के 4 साल के बाद में आपको अगले स्टेज पे आपको प्रमोशन मिलते जाएंगे और इसी हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग कंप्लीट आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद 42,000 सैलरी, उसके बाद हर 3 साल बाद में 4 साल बाद में आपको प्रमोशन मिलते जाएंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि आपकी सैलरी में किस हिसाब से ग्रोथ होने वाली है।
और एक चीज़ और मैंने देखी है, जिन बच्चों ने डिप्लोमा कर रखा है और स्टेज टू के रूप में भर्ती होती है, यानी कि आईटी और डिप्लोमा दोनों के पास, दोनों है उनके पास में, और आईटी से भर्ती होती है लेकिन उनके पास में डिप्लोमा भी है, तो वो बच्चे यहाँ किसी भी पोजीशन पे भर्ती होते हैं तो 6 साल के बाद में यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के रूप में 6 साल के बाद में वो लोग आ जाएंगे। तो डिप्लोमा वाले बच्चों को यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अवसर है अगर वो आईटी के रूप में भर्ती होते हैं तो भी, है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो कुछ इसी हिसाब से आपकी सैलरी बनने वाली है। उसके बाद में वर्क प्रोफाइल के बारे में बात की तो आईटी की लगभग जो जितनी भी ट्रेड है ना आपका, वहां पे ऑपरेशन और मेंटेनेंस के रूप में काम रहने वाला है। आईटी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए 2 प्रकार के काम होंगे, एक तो इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट्स होंगे उनके मेंटेनेंस का आपका काम रहेगा, दूसरी जो आपकी ड्यूटी लगेगी जो सब स्टेशन होंगे वहां पर आपका मेंटेनेंस और ऑपरेशन के लिए एक असिस्टेंट के रूप में ड्यूटी लगेगी, यानी कि जो डिप्लोमा वाले लोग हैं वहां पर आपके सीनियर होंगे, आपकी जो ड्यूटी है वहां पर असिस्टेंट के रूप में, एक सहायक के रूप में, एक हेल्पर के रूप में आपकी लगने वाली, यानी कि सब स्टेशन ऑपरेट करना और इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस करने का आपका काम रहेगा, उन चीजों की आपको वहां पे बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। इसी हिसाब से फिटर वाले बच्चे, तो फिटर वाले बच्चों का मैक्सिमम जो मैकेनिकल के इक्विपमेंट्स हैं उनकी रिपेयरिंग से संबंधित और मेंटेनेंस से संबंधित आपका काम रहने वाला है। आरएसी वाले बच्चे हैं, आरएसी जो आरएसी इक्विपमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस से संबंधित काम रहेगा। एमएमवी ट्रेड वाले जितने भी बच्चे हैं उन सबकी वर्कशॉप में वहां पर आपकी ड्यूटी लगने वाली है। ट्रनर वाले बच्चे हैं उनकी जो लेथ मशीन है उनको ऑपरेट करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए आपकी वहां पे ड्यूटी लगने वाली है। वेल्डर वाले बच्चे हैं वेल्डिंग से संबंधित आपका ज्यादा काम रहेगा, हालांकि आपको वर्कशॉप वगैरह के अंदर भी आपकी वहां पे ड्यूटी लगा सकती है। ऑल ओवर पर मान के चले तो एक मैकेनिक के रूप में आपको वहां पर काम करना होगा, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहने वाली है, बहुत ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी और वीकली आपके 2 ऑफ रहेंगे, यानी कि सैटरडे और संडे दोनों आपके ऑफ रहने वाले, 5 दिन का आपका वीक रहने वाला है। उसके बाद में और अगर अपन सुविधाओं में छुट्टियों की बात करें तो यहाँ पे आपको लगभग 30 आपको ईएल मिल जाएगी और 10 आपको सीएल मिल जाएगी, उसके बाद में 10 आपको मेडिकल लीव मिल जाएगी, हाफ पे लीव जिनको बोलते हैं। ऑल ओवर आप मान के चलिए कि साल में लगभग 50 आपको छुट्टियाँ मिल जाएगी, 5 डे आपका वीक रहने वाला है। तो जबरदस्त आपकी यहाँ पे वर्क प्रोफाइल रहने वाले, 8 घंटे ही आपकी ड्यूटी रहेगी, उसके बाद में आप फ्री रहोगे। फैसिलिटीज के बारे में अपन डिटेल से अगर बात करते हैं तो भी सबसे पहली चीज, जैसे कि मैंने सारा डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया, मेडिकल फैसिलिटीज, कौन सी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिलने वाली, आप है, बीवी बच्चे आपके हैं उन सबको और माता पिता को मेडिकल फैसिलिटीज मिलने वाली है और इसी के लिए 255 रुपये कट रहे हैं। आपको कितनी भी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे लाखों में उस ट्रीटमेंट पे खर्चा लगता हो, पूरा का पूरा खर्चा आपका डिपार्टमेंट ये वहन करने वाला है। उसके बाद में आपका अगला जो अलाउंस है यहाँ पे वो मिलने वाला है आपको CEA, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, 2 बच्चों तक मिलता है, प्रत्येक बच्चे पे 27,000 रुपये साल के मिलते हैं, यानी कि 2 बच्चों के 54,000 रुपये एजुकेशन अलाउंस के रूप में आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। न तो आपको मेडिकल की टेंशन है, न ही आपको बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है, इतनी आपको सैलरी मिल रही है। उसके बाद में देखिए एक और यहां पे मजेदार चीज है, जो कि आपको कैंटीन फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। ये जो कैंटीन फैसिलिटीज है ये मिलने वाली है आपको खाने के लिए, यानी कि यहां पे मतलब क्या है कि मिनिमम कॉस्ट है सब्सिडी रेट पे 17-18 रुपए में खाने के लिए एक टाइम का आपको, यानी कि खाना दे दिया जाएगा, बिल्कुल 17-18 रुपए में बिल्कुल पौष्टिक खाना है वो आपको यहां पे दिया जाएगा, ये भी एक बहुत शानदार चीज है। उसके बाद में रहने के लिए आपको अकोमोडेशन आपको वहां पे मिल जाएगा, यानी कि जो क्वार्टर वगैरह उन वो आपको मिल जाएगा, यानी कि अचार जो लोग नहीं लेंगे उनको वहां पे क्वार्टर भी मिल जाएंगे, पूरे क्वार्टर मिलेंगे, जो कि फैमिली के साथ में आप वहां पे रह सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में हॉलीडे वगैरह के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, लगभग साल में आपकी 50 दिन छुट्टियां मिलने वाली है, 5 डे आपका यहां पे वीक रहने वाला है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो फैसिलिटीज है ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आपको प्रमोशन वगैरह वाला सिस्टम है ये भी समझ में आ गया होगा और सैलरी वगैरह कंप्लीट चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यानी कि ऑल ओवर ये चीज़ है कि ना तो आपको मेडिकल की टेंशन है, ना ही आपको बच्चों की पढ़ाई की टेंशन है, खाने की भी टेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप फैमिली वहाँ पर नहीं रखते तो 17-18 रुपये में डाइट आपको वहाँ पर मिल जाएगी, रहने के लिए क्वार्टर आपको मिलेगा, अच्छा BARC में इन्वायरमेंट मिलता है, छुट्टियाँ भी प्रॉपर मिलेगी और वीकली आपको 2 ऑफ मिल जाएंगे। उसके बाद में मंथली आपको 40,000 रुपए के आसपास में सैलरी और टाइम टाइम पे आपको प्रमोशन मिलने वाला है।
तो आपको समझ में आ गया होगा BARC में IT के बच्चे हैं उनके लिए भी कितनी जबरदस्त फैसिलिटीज वाली यहाँ पे आपके लिए नौकरी है। तो उम्मीद है कि सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, अच्छा खासा आपको मोटिवेशन मिला होगा। जितनी भी चीजें बताइए बिल्कुल सही तरीके से जेन्युइन चीजें मैंने आपको बताई है। तो जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, अच्छा खासा आपको मोटिवेशन मिला होगा, अभी से आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद यह है कि मेरे हिसाब से 2 महीने से ज्यादा आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो अब आपको हर हाल में मतलब क्या कि अच्छी मेहनत करके बिना लापरवाही के आपको पढ़ाई करनी है। IT इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चे हैं उनके लिए बैच हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है वीडियो क्लासेज की जरूरत है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी IT इलेक्ट्रिशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, इन सब बच्चों के लिए मेगा टेस्ट सीरीज भी हमने चला रखी है जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। काफ़ी सारे टेस्ट मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। बाकी हर सप्ताह आपको वहाँ पर और भी नए नए टेस्ट वगैरह मिलेंगे, काफ़ी सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिलेगा। सब चीजों की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। जितनी चीजें मैं आपको करवा सकता हूं अच्छे से ऐप पे मैंने आपको वहां पे करवाई, ठीक है। उम्मीद है कि सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी से आपको अपनी पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर देना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करना। जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।